नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं और आज के करंट अफेयर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको पूरा कवर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी सारी न्यूज ऐसी हैं जो आज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्विस नेशनल बैंक ने अभी आंकड़े जारी किए हैं कि उनके पास किस देश का कितना पैसा है, उसमें भारत की जो रैंकिंग रही है वो पिछले साल से थोड़ी सी गिर गई है और इसका क्या महत्व होता है, इस रैंकिंग का वाकई में कोई मतलब होता भी है कि नहीं होता है, तो इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई है और ये योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया। इस योजना को नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार योजना या आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 मई के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देश को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी थी, क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की वजह से कई सारे लोगों के रोजगार गए, कई सारे लोगों को आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ी है और ऐसे में भविष्य में आगे हमें ऐसा कुछ ना देखना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को आत्मनिर्भर बनने के लिए आह्वान किया है। लेकिन इसमें राह में कई मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलें तो आती रहेंगी, योजनाएं चलती रहेंगी और फिलहाल हाथ फिलहाल उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें 12 मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स को मिला करके एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसके जरिए रोजगार सृजन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपी यानी उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, खासकर प्रवासी श्रमिकों ने, जो अलग अलग स्टेट से उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में वापस लौट आए और अब उन्हें वापस अपने काम पर ना जाना पड़े, मतलब अपना घर छोड़ के ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार काफी सारी योजनाएं ला रही है। इसी क्रम में इस योजना को लाया गया है ताकि इसमें कई सारे डिपार्टमेंट को मिला लिया जाए, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, उन कोऑर्डिनेशन के जरिए उनको जो भी काम कराने हैं अगर वो किसी मानव श्रम से जुड़े हुए हैं यानी उसमें किसी मजदूर की आवश्यकता है तो उन कामों को पहले प्रायोरिटी पे कराया जाए, ताकि जो भी 30 लाख के आसपास, एक आंकड़ा जुटाया गया है कि 30 लाख के आसपास मजदूर वापस उत्तर प्रदेश में आए हैं और इन सभी को रोजगार देना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बन गई है और ऐसे में इस योजना के जरिए इन सभी को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। आइए चलते हैं न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों को 26 जून को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। वैसे पॉइंट टू बी नोटेड कि यह योजना अभी उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है। यह योजना उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं। इस अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से समन्वित प्रयासों से शुरू होगा। उन मंत्रालयों के नाम याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है और मुझे तो लगता है सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो उत्तर प्रदेश नाम वहां पर आ ही जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश पिछले कुछ महीनों से क्यों चर्चा में रहा है उनके बारे में बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लाइड मिलेगी आपको, लेकिन हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर का मतलब आप समझते हैं, देश के पहले ऐसे तृतीय जेंडर के बारे में यूनिवर्सिटी यानी उनको पढ़ाने लिखाने के लिए शुरुआती कक्षाओं से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए जो यूनिवर्सिटी खोली गई है वो कुशीनगर में खोली जा रही है। कुशीनगर से जुड़ी हुई कल न्यूज भी मैंने आपको एक बताई थी कि कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। दूसरी बात, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 23वां संस्करण भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला लखनऊ में। ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही थी फिट यूथ फिट इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट है जिसने ये शॉर्टलिस्टिंग शुरू की थी कि कौन सा प्रवासी कौन से देश से आया है। इसके बाद दूसरा फेज शुरू हुआ, इंटेंसिफाइड एक सघन टीकाकरण अभियान था इंद्रधनुष का, उसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही हुई। इसके अलावा अगर आप बात करें कि अब तक मनरेगा के जरिए जितना भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जिसको 2010 में इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था, तो हाल फिलहाल इस योजना का जो मेन मोटिव रहा उसके जरिए जो रोजगार उपलब्ध कराया गया है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने अभी तक उपलब्ध कराया है। इंडिया का पहला पशु युद्ध स्मारक, कई सारे पशु हैं जिन्होंने युद्धों में भाग लिया है,
उन पशुओं के लिए एक स्मारक बनाया गया और इसका जो उद्घाटन किया गया था ये मेरठ यूपी में किया गया था। यूपीएसआरटीसी यानी कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने एक दामिनी नाम की हेल्पलाइन शुरू की थी। इस नंबर को जो लोग भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं महिलाओं के लिए 8-1-1-4-2-5x7 इस नंबर के जरिए कोई भी महिला किसी बस में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो इस नंबर पर फोन मिलाकर वो सहायता मांग सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की थी। इसमें जो भी कृषक हैं उनको बीमा योजना है, यानी कि अगर उनका दुर्घटना हो जाती है या किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। नीति आयोग का जो सबसे आकांक्षी जिले की रैंकिंग आई है उसमें इस बार चंदौली जो है वो यूपी से टॉप करता है, जबकि उड़ीसा का बालनगीर दूसरे नंबर पर आया है। अभी हमारा 11वां डिफेंस एक्सपो हुआ और ये आपका लखनऊ में आयोजित हुआ था फरवरी में। तो इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत एक उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब है, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण हब, तो ये इसकी थीम रही थी 11वां डिफेंस एक्सपो जो कि आपका लखनऊ में आयोजित हुआ था। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राउंड वाटर एक्ट यानी कि भूजल संरक्षण अधिनियम लॉन्च किया है, जिसके जरिए पानी बर्बाद करने वालों को जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। इंद्रधनुष 5 2020 ये भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि वायुसेना द्वारा किया जाता है और यह हिंडन नदी के किनारे आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 900 रुपए प्रत्येक जानवर के लिए, गोवंश के जानवर के लिए, गोवंश पशु के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी गाय को पालता है या किसी गोवंश के जानवर को पालता है तो उसे प्रत्येक जानवर के हिसाब से 900 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे और इसको कहा गया है गौपालक संवर्धन योजना। गौपालक संवर्धन योजना से याद आया, कल मैंने आपको छत्तीसगढ़ की एक योजना के बारे में बताया था, गोधन न्याय योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ये विचार कर रही है कि किसी तरीके से गोबर को खरीदकर उसको कंपोस्ट में बदलकर या खाद में बदलकर जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए और इससे जो आपके पशुधन को संभालने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी इनकम दी जाए, तो इसके बारे में कमेटी गठित की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी, कैपिटल सिटी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल स्वयं डियर यानी बारासिंगा भी आप इसे कह सकते हैं, स्टेट बर्ड है सारस, सारस हमेशा आपको जोड़ों में नजर आएगा, स्टेट ट्री है अशोक का फूल, स्टेट फ्लावर है पलास और देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें आपको यहां से देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा रहता है। ये रही हिंदी में स्लाइड, जो कुछ मैंने अभी आपको सुनाया वो सब सारा का सारा हिंदी में है। यहां पर अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। नासा, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व की अग्रणी स्पेस एजेंसी है यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके लगभग सभी मिशन सफल रहे हैं और अगर देखा जाए तो आज देश में या विश्व में अंतरिक्ष की जो भी जानकारी है उसमें नासा का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन नासा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, नासा सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का एक सम्मिलित प्रयास है जिससे अंतरिक्ष में जो भी ये खोज करते हैं। ऐसे में एक प्रयास को मान्यता देने के लिए इन्होंने अपने मुख्यालय का नाम बदलने की बात की है और ये मुख्यालय का नाम इनके पास काम करने वाली मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि वाशिंगटन डीसी में इसके स्थित मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी? मैरी डब्ल्यू जैक्सन इस एजेंसी में काम करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी या अश्वेत महिला भी आप किसे कह सकते हैं। इनके ऊपर एक मूवी बनी थी जिन्हें कई सारे एकेडमी अवार्ड्स के लिए नामित किया गया था और उस मूवी का नाम था हिडन फिगर्स, और हिडन फिगर्स नाम से इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई थी जो कि मार्गरेट ली सेटलर्ली ने लिखी थी, मार्गरेट ली सेटलर्ली ने लिखी थी और यह पुस्तक हिडन फिगर इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। अगर मूवी कभी आपको देखने को मिले तो देखिएगा कि किस तरीके से एक गरीब परिवार से आती हुई स्त्री नासा में जाके इंजीनियर बनती है। तो फिलहाल ये एकमात्र ऐसी अश्वेत महिला है जिन्होंने इंजीनियर के यानी एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर नासा में काम किया है। ये जानकारी नासा के निदेशक जिम ब्रिंडेस्टाइन ने दी जो वर्तमान समय में नासा के हेड हैं। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो नासा से महिलाओं का रास्ता बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और जो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं उनमें से एक ये भी हो सकता है कि नासा में काम करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी। तो नासा में काम करने वाली पहली महिला अधिकारी थी किट्टी ओ ब्रायन जॉइनर। किट्टी ओ ब्रायन जॉइनर जो है ये नासा की पहली फीमेल इंजीनियर थी यानी कि महिला इंजीनियर थी और इन्होंने 1939 में इसे ज्वाइन किया था, तब इसे नाका कहा जाता था।
और ये 1971 में रिटायर हो गए। इसके अलावा क्रिस्टीना कोच का नाम सुना होगा आपने। क्रिस्टीना कोच वो है जिन्होंने अभी हाल ही में सिंगल फ्लाइट स्टे, सिंगल स्पेस स्टे, यानी कि एक बार में अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है किसी महिला द्वारा। ये 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर अभी फरवरी में वापस आई थी। इसके अलावा अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने का जो रिकॉर्ड है वो पैगी विटसन पर है। पैगी विटसन जो है वो लगभग 665 दिन अपने पूरे कार्यकाल में, यानी कि जितना उन्होंने काम किया है नासा में, उस पूरे कार्यकाल में वो 665 दिन तक अंतरिक्ष में रही हैं, और ये किसी महिला द्वारा अब तक अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे ज्यादा समय है। इसके अलावा वो सिंगल स्टे में 289 दिन तक रही थी। तो इससे पहले का जो रिकॉर्ड था सिंगल स्टे में, यानी एक बार में अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने का या अंतरिक्ष में रहने का जो रिकॉर्ड था वो पेगी विटसन के नाम था। इसके अलावा क्रिस्टीना कोच के नाम एक और रिकॉर्ड रहा है कि इस बार जब वो रही है 328 दिन के लिए अंतरिक्ष में, उससे पहले उन्होंने जेसिका मीर जो उनकी एक सहयोगी थी और वो खुद अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से बाहर आए, और ये विश्व में पहला ऐसा मौका था जब दो महिलाएं अकेली स्पेस स्टेशन पे बाहर आई, या दो महिला आप ऐसे कह सकते हैं अकेली अंतरिक्ष में घूमी। तो यहां पर उन्होंने कुछ कलपुर्जे उन्हें बदल देते हैं, तो इस तरीके से वो बाहर आए। नाम जरूर याद रखिएगा, जेसिका मीर एंड क्रिस्टीना कोच की जोड़ी। बात की है किटी ओब्रायन जॉइनर की। किटी ओब्रायन जॉइनर नासा की पहली महिला, और आज जब हम इनकी बात कर रहे हैं वो कौन थी, उनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जिनके नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी पर जाने से पहले आपको पता है कि पूरे विश्व की जो आबादी है वो लगभग 7.8 अरब आबादी है, और इसमें 60% जो हमारे पूरे विश्व की परिसंपत्ति है, जो संपत्तियां हैं, जो धन और दौलत है, उस पर 2000 अरबपतियों का कब्जा है, यानी कि बाकी के जो लोग हैं वो 40% पर सिमटे हुए हैं। ऐसे में विश्व में सबसे ज्यादा असमानता लेकर अगर किसी चीज को है तो वो धर्म को लेकर नहीं है, वो जाति को लेकर नहीं है, वो गरीबी को लेकर है। भारत के अंदर उस व्यक्ति को गरीब मान लिया जाता है, यानी भारत में जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो उपभोग व्यय सूचकांक पर किया जाता है। कई सारी कमेटी अलग अलग रिपोर्ट देती हैं, लेकिन भारत में अभी भी जो गरीबी का आकलन किया जाता है वो उपभोग व्यय सूचकांक पर किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने उपभोग पर कितना खर्च कर सकता है, कितना उसकी परचेजिंग पावर होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों के लिए इसे 32 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति दिन में अपने ऊपर 32 रुपए प्रतिदिन खाने के ऊपर खर्च नहीं कर सकता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वो 26 रुपए खर्च नहीं कर सकता है, तो उसे कहा जाएगा कि वो व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो गरीबी रेखा में जीवन जी रहा है। भारत के अंदर देखा जाए तो पहला जो आकलन पर कैपिटा इनकम का और नेशनल इनकम का शुरू किया था वो 1868 में दादाभाई नौरोजी ने शुरू किया था। दादाभाई नौरोजी ने बताया था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय है उस समय भारत की। तो 20 रुपए से अब हम 11,000 रुपए के आसपास तकरीबन पहुंच गए हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस असमानता को हटाने के लिए एक अलायंस का आह्वान किया है, एक गठबंधन बनाने की बात की है, और इस गठबंधन को नाम दिया गया है अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी कि गरीबी के उन्मूलन के लिए, और इसके संस्थापक सदस्य में भारत को भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने 30 जून को औपचारिक रूप से गरीबी उन्मूलन गठबंधन की शुरुआत की जाएगी। गठबंधन के संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल होते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि केवल मौद्रिक मुआवजे, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा देते चले जाएं गरीबों को, सिर्फ बहुत सारा फंड एलोकेट कर दें, इससे गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी दूर होगी शिक्षा से, स्वच्छता से, स्वच्छ जल से, आवास से, उनके व्यवहार में परिवर्तन से। अगर देखा जाए तो दुनिया में कई सारे लोग, देश जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। अभी एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है कि 74वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो तिजानी मोहम्मद बंदे थे, जबकि 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में बॉलकन बॉजगिर को चुना गया है। बॉलकन बॉजगिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, नहीं पहचानते हैं, ये हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस, और उनके साथ में खड़े हुए हैं बॉलकन बॉजगिर, जो कि पहले तुर्क आपके अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, जो कि टर्की से चुने गए हैं। इसके अलावा आइए थोड़ा सा गरीबी का आकलन देखते हैं, कौन सा देश गरीब है, कौन सा अमीर है। जब मैं इसे ढूंढ रहा था तो काफी सारी वेबसाइटों पे गया, जहां पर मुझे एग्जैक्ट फॉर्म में ये नहीं पता चला कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है और दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट है, कई सारे मापने के तरीके हैं। तो एग्जैक्टली एक रफली आइडिया लिया जा सकता है कि जो रशियन फेडरेशन है वहां पर आपको काफी सारे अमीर लोग दिखाई देंगे,
वहां पर एक आंकड़े के मुताबिक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, यानी कि कोई भी बंदा गरीबी रेखा से नीचे जीवन नहीं जी रहा है। जबकि यहां पर देखें अफ्रीका पूरा लाल हुआ पड़ा है और यहां पर कुछ ऐसे देश हैं जो आपको डार्क रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, वो और ज्यादा दिक्कत में है। और थोड़ा सा एशिया के ऊपर जाए तो भारत की बात करें तो भारत जो है उसमें 21.20% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को ग्रीन जोन में रखा गया, यानी कि हमारे यहां जितने गरीब लोग हैं उतने पाकिस्तान में गरीबी नहीं है। और ये इसी पर डिपेंड करता है कि कितने लोग अपना खर्च कर सकते हैं। जबकि विश्व के सबसे गरीब देशों की बात करें तो हैती का नाम आएगा, माली का नाम आएगा और मेडागास्कर का नाम आएगा, कांगो का नाम आएगा, नाइजीरिया का नाम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर गरीबी जो है वो अपने चरम सीमा पर चल रही है। तो इन देशों की स्थिति को सुधारने के लिए ही इस तरह के गठबंधन की आवश्यकता हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने एक नया गठबंधन बना रहे हैं। देश की बात करें तो देश की प्रति व्यक्ति जो मासिक आय 2019-20 के दौरान रही है उसमें पिछले साल के मुकाबले 6.8% की वृद्धि हुई है और अब वर्तमान समय में 11,254 रुपए होने का अनुमान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोविड-19 के दौरान ये कुछ कम हो जाएगा। यह अनुमान जनवरी का है, जनवरी के दौरान यह एक आंकड़ा जारी किया गया था, वहां से यह अनुमान लिया गया है। और ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,35,050 रुपए रहने का अनुमान है, जो महज 6.8% की वृद्धि है। हालांकि पिछले वर्ष 2018-19 में 10% बढ़त हुई थी और 1,26,406 रुपए वार्षिक रही थी, जबकि जो मासिक आय रही थी वो 10,536 रुपए रही थी। ये आंकड़े एग्जैक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए ये आंकड़े आपको जरूर पता होने चाहिए। और कभी भी आप कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जो कि किसी अधिकारी वर्ग का है, यानी कि जिसके आगे ऑफिसर लगा हुआ है, तो ये आंकड़े जरूर अपनी कॉपी पर नोट करके याद करके जाइए। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। फीफा महिला विश्व कप जो कि 2023 में होने वाला है उसे मेजबानों की घोषणा हो गई है और ये मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जापान से टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जापान ने अपनी दावेदारी को पीछे खींच लिया और उसके बाद बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का चयन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। इस विश्व कप को आयोजित करने का जिम्मा दो देशों को मिला है। बोली में ऑस्ट्रेलिया में 7 और न्यूजीलैंड में 5 शहरों को प्रस्ताव दिया गया था। टूर्नामेंट 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच खेला जाएगा और इस बार इसे में 24 के बजाय 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वैसे फीफा के जो मैच होते हैं उनमें 24 टीम हिस्सा लेती हैं, जिसमें 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, जो मेंस वर्ल्ड कप है वो आपका 2022 का कतर में खेला जाएगा, अभी इसके मस्कट की घोषणा नहीं हुई है। जबकि 2018 का आपका रशिया में हुआ था जिसमें फ्रांस ने क्रोशिया को हराया था, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो फिलहाल फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है ये कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अगली जानकारी तब चले तो ईरान जो है अपनी समुद्री ताकत को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हिंद महासागर में। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प जो कि ईरान की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है और इसी के कमांडर थे कासिम सुलेमानी, जिनकी बगदाद में हत्या करवा दी गई थी। तो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने अंतरराष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी सैन्य बेस स्थापित करने की योजना बनाई है। IRGC के नेवी कमांडर ने यह भी बताया कि हिंद महासागर और ओमान के समुद्री क्षेत्र में समुद्री जहाजों और विदेशी जहाजों द्वारा ईरानी मछुआरों को बार बार परेशान किया जा रहा था, इसलिए यह बेस स्थापित करना पड़ रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ईरान की सशस्त्र बलों की एक शाखा है और इसी के हेड थे कासिम सुलेमानी, जिनकी बगदाद में हत्या की गई थी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं तो इंडिया जो है, जैसे कि जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, भारत की रैंकिंग 77 रही है स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में। इससे क्या पता चलता है? ये रैंक अगर कमजोर होती तो देखिए, इससे कुछ खास पता नहीं चलता, इससे बस एक आंकड़ा पता चलता है। क्योंकि कोई किसी बैंक में मैं पैसा जमा करना चाहता हूं तो उस बैंक का आंकड़ा, अगर मान लीजिए उस बैंक में ज्यादा पैसा जमा है तो मैं ज्यादा अच्छा देश हो गया, नहीं ऐसा नहीं। स्विस बैंकों को वहां पर 1713 में एक चार्टर आया था, काउंसिल ऑफ जिनेवा में यह बोला गया कि आप ऐसा करो, एक वहां पे रूल बना दिया गया कि किसी भी तरह की कोई भी ग्राहक होगा उसकी जानकारी किसी तीसरी पार्टी को नहीं दी जाएगी। बस यहीं से मसला शुरू हो गया। लेट अस सपोज मैं भारत में रहता हूं, मैं अपने इनकम सोर्स के लिए या अपने सैलरी अकाउंट के लिए स्विस बैंक का एक अकाउंट इस्तेमाल करता हूं,
जिसकी एक्सेस भारत सरकार के पास नहीं है। और मैं भारत सरकार पे जब इनकम टैक्स दाखिल करने जाता हूं तो मैं बताता हूं कि भाई मेरी कोई इनकम ही नहीं है, तो भारत सरकार मुझे ट्रेस नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी सभी देश जो हैं वो अपने ग्राहकों की जो जानकारी है वो सरकार को दे देते हैं, लेकिन स्विस बैंक जो है वो अपने ग्राहकों की जो जानकारी है वो किसी और देश को या थर्ड पार्टी को नहीं देते। इस वजह से इनको टैक्स हेवन कहा जाता है, यानी कि टैक्स बचाने वालों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहां पर आप अपनी चोरी छुपे की जो भी आमदनी है वहां पर आप जमा कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, काला धन को निकालने के बारे में बातचीत हो रही है, तो ऐसे में वहां पर लोगों ने अपना पैसा डालना कम कर दिया है और यह साफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम 2010 की बात करें तो भारत की रैंकिंग 34वीं हुई करती थी, 2015 में इसकी रैंकिंग 75 थी और अब इसकी रैंकिंग कितनी हो गई, 77। यानी कि भारत का जो पैसा है स्विस बैंकों में वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, जबकि स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा पैसा किस देश ने जमा कर रखा है, वो ब्रिटेन ने जमा कर रखा है। तो स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स जारी किए हैं। SNB द्वारा ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में 3 पायदान फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है। हालांकि कई पड़ोसी देश इस सूची में भारत से नीचे हैं, इनमें पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, बांग्लादेश 85वें नंबर पर है, नेपाल 118वें नंबर पर है और श्रीलंका 148वें और म्यांमार 186वें और भूटान 196वें स्थान पर है। जबकि ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो भारत सबसे निचले पायदान पर है। भारत स्थित शाखाओं में स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों के सभी विदेशी ग्राहकों द्वारा जमी की गई कुल धन राशि का सिर्फ और सिर्फ 0.06% ही हिस्सा है, यानी कि भारत स्विस बैंकों पर जो पैसा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.06% भारतीयों का है, जबकि ब्रिटेन इस सूची में कुल जमा की गई राशि में 27% हिस्सा रखता है और सब पर बना हुआ है। तो स्विस बैंकों में जमा पैसा जरूर समृद्धि को जरूर दर्शाता है, लेकिन मुझे तो यह ठीक ही लग रहा है कि ऐसे किसी देश में आपका पैसा ना जमा हो जहां से आप उसकी जानकारी ना जुटा पाए और जहां के कानून इस मामले में काफी सख्त हो। तो चलिए फिलहाल अगली जानकारी की तरफ, 77 नंबर पर भारत है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका यूएस है, तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज है और 77वें नंबर पर इंडिया है। अगली जानकारी है, पंजाब में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनी महाजन जी को 26 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने करण अवतार सिंह का स्थान लिया है, वह पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। विनी महाजन प्रमुख सचिव कर्मियों सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी। तो विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव। अगली जानकारी तरफ चले, हरिथा हरम कार्यक्रम। हरिथा हरम का मतलब होता है चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे लगाने से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और यह तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिथा हरम कार्यक्रम के 6 चरण की शुरुआत की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार हरिथा हरम कार्यक्रम के 6 चरण के दौरान लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके प्रथम चरण में लगभग 182 करोड़ प्रथम चरण से लेकर अब तक लगभग 182 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगा, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पौधों रोपने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है और उसके लिए मजदूरों को कार्य दिया जाएगा। तेलंगाना का हरिथा हरम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य के वृक्षों के क्षेत्र को 24% से बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य किया गया है और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से एक है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 3 जुलाई 2015 को तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। अब बारी तेलंगाना की, तेलंगाना भी हाल फिलहाल क्यों चर्चा में रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नगोबा जात्रा एक मेशराम नाम के देव है, नाग देव उन्हें कहा जाता है, उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है, उनकी अर्चना की जाती है। इसमें जो मेशराम समुदाय है उसकी जो नई बहुएं होती हैं, नई बहुएं मतलब कि नव वधु होती हैं, वो इसकी पूजा वगैरह करती हैं। तो नगोबा जात्रा का जो फेस्टिवल का संबंध है वो तेलंगाना से है और ये आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इसमें एक डांस फॉर्म किया जाता है गुसाडी। इस डांस फॉर्म को याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है, आपका तेलंगाना से। गुसाडी डांस फॉर्म ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है और ये इसका एक प्रमुख आकर्षण रहता है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये भी आपका तेलंगाना हैदराबाद में बनाया गया, जिसका नाम रखा गया कान्हा शांति वनम। तेलंगाना जो है इसने सस्टेनेबल ग्रोथ में UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के अंतर्गत तेलंगाना ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करने में सबसे अच्छे प्रयास किए हैं। यानी कि जो भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए 14 गोल हैं, 21 गोल हैं, उनको पाने के लिए यहां पर तेलंगाना ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ईयर घोषित किया था और 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विंग्स इंडिया 2020 ये एक
एयरोस्पेस की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होती है, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, और ये बेगमपेट एयरपोर्ट पर लॉन्च की गई थी। बेगमपेट हवाई अड्डा जो है ये आपका हैदराबाद में है, और इसकी जो थीम रही थी वो थी फ्लाइंग फॉर ऑल, यानी कि उड़ान सभी के लिए। हैदराबाद विश्व के 14 शहरों में से एक है, 14वां शहर है विश्व का नाइट फ्रैंक ग्लोबल रेजिडेंशियल सिटीज इंडेक्स में Q3 में, जबकि बुडापेस्ट हंगरी का पहला इस इंडेक्स में पहला था। यानी कि हैदराबाद जो है वो लिविंग सिटी इंडेक्स के मुताबिक, इस सिटी इंडेक्स के मुताबिक, नाइट फ्रैंक ग्लोबल रेजिडेंशियल सिटीज इंडेक्स के मुताबिक 14वें नंबर पर है। हैदराबाद के एक साइंटिस्ट हैं विपुल साहा, जिनको अभी हाल ही में IUPAC, ये तो आपको पता होगा IUPAC क्या होता है, ब्यूरो मेंबर चुना गया है। ऐसा नहीं कि वो पहले हैं, इससे पहले CNR राव, यानी कि एक प्रोफेसर है चिंतामणि नागेशा रामचंद्रन राव, CNR राव देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये भी इसके सदस्य रह चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण टेक्निकल फेस्टिवल, यानी कि ग्रामीण तकनीकी महोत्सव, जिसे अंतः प्रगन्या नाम दिया गया, यह भी आपका तेलंगाना में शुरू हुआ था। हैदराबाद मेट्रो जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऑपरेशनल मेट्रो बन गई है, जिसमें 69 किलोमीटर तक मेट्रो का सफर आपको मिल सकता है। पहले नंबर पे दिल्ली है, जहां पे 231 किलोमीटर तक मेट्रो चलती है। 3 दिन लंबा 17वां एडिशन बायो एशिया 2020 का ये हैदराबाद में शुरू हुआ, थीम थी टुडे फॉर टुमारो, यानी कि जैव एशिया समिट 2020 का 17वां एडिशन, ये 3 दिन का प्रोग्राम था, ये फरवरी में हुआ था, ये आपका तेलंगाना में हुआ, इसकी थीम थी टुडे फॉर टुमारो। कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलसाई सौंदर राजन, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, जिन्हें कहा जाएगा कल वा कुंतला चंद्रशेखर राव, ये मेडक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी का नाम है। नेशनल पार्क है कुसु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, और मृगवानी नेशनल पार्क। स्टेट फ्लावर है, इसे टांगड़ू भी कहा जाता है, टांगड़ू भी बोलते हैं, वो कोई भाषा होगी उनकी। स्टेट ट्री है जान, और स्टेट एनिमल चीतल, स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। लोकसभा में 17 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें आपको तेलंगाना से देखने को मिलेंगी। तो ये रहा आपका पूरा तेलंगाना का पिछले कुछ महीने का पूरा बायोडाटा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 10 से लेकर 19 सितंबर तक होगा। इस साल कोरोना महामारी के कारण TIFF के आयोजन में कुछ बदलाव किए जाएंगे। यहां पर स्क्रीनिंग होगी, सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया जाएगा, और TIFF के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि टोरंटो के बाहर के लोगों को भी कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया जाएगा। तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल हुए। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की, तेजी से करते हैं। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय किया है? तो पहली अश्वेत महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। COVID-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन बनाने का बात की है? तो वह संयुक्त राष्ट्र। प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए 26 जून को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना का शुभारंभ किया, जो कि उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में लॉन्च होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी करेंगे। ईरान ने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक स्थानीय सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना बनाई है। स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टेटिक्स में बताया कि भारत 77वें स्थान पर है और सिर्फ 0.06% पैसा भारतीयों का मेरे पास। किसने 26 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वह है विनी महाजन। हाल ही में हरितारंभ उत्सव कहां पर मनाया गया? कार्यक्रम का 6ठा चरण शुभारंभ कहां किया जा रहा है? तेलंगाना में। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? तो वह है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। COVID-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया? तो वह है आपका UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन। प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए 26 जून को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की जा रही है।
ऑस्ट्रेलिया और कौन 2023 के होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेंगे संयुक्त रूप से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। किसने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक सैन्य स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की बात की है, तो वो है ईरान। स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिक्स में क्या बताया कि भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में कौन से स्थान पर है, तो भारत 77वें स्थान पर है, पहले स्थान पर ब्रिटेन है। किसने 26 जून 2020 को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो उनका नाम है विनी महाजन। हाल ही में हरिधारम कार्यक्रम का छठा चरण शुभारंभ किस राज्य में किया गया, ये आपका तेलंगाना में किया गया। तो दोस्तों ये थे आज हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।